दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कम न दे करो बयां। ख्वाजा मिरदर्द का शेर और आजकल की सिचुएशन। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोरोना वायरस चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में से बेदर्दी से फैलेगा, कि पूरी दुनिया लॉकडाउन पे मजबूर हो जाएगी। आजकल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासर हो रही है। गालिब क्या खूब फरमाता है, हैरत हुई गालिब तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। हर तबके के लोग मुतासर हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका है, जिनके पास ये फिक्र तो नहीं होता कि मैं बाहर जाऊंगा तो कोरोना वायरस से मर जाऊंगा, बल्कि ये फिक्र जरूर होता है कि मैं अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मैं अगर बाहर नहीं जाऊंगा उन लोगों की राह नहीं तकूंगा जो सदका और खैरात लेके आएंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगा। इसी लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस टाइगर रिलीफ फोर्स के नाम से एक टीम तश्कील देने का फैसला किया है, जिसमें 18 से लेकर 50 साल तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कराते हो, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान हर एक इलाके में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की एक एक टीम तश्कील देगी, जिसका काम यही होगा कि अपने अपने इलाकों में वो गरीब लोगों की निशानदही करे और उन लोगों की इंफॉर्मेशन हुकूमत पाकिस्तान को प्रोवाइड करे। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम एंड सीएम इमदाद स्कीम प्रोग्राम पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें 12,000 गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में और 4,000 सीएम इमदाद स्कीम प्रोग्राम में हर एक इंडिविजुअल फैमिली को दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी भी स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं किसी भी स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। क्या मंथली बेसिस पर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के कैंडिडेट्स को पैसे दिए जाएंगे, आंसर इस अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। क्या प्रोग्राम के अख्तिताम पे इन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हाँ बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप लोगों को बताया है कि इसी सर्टिफिकेट को आप लोग कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, ख़ुद भी कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का हिस्सा बनते हैं और दूसरों को भी इस आगाही मुहिम से आगाह करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सिटीज़न पोर्टल पी के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब आप लोग वो डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, और उनके बाद आपसे अगर आप लोग पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो तो आपसे वो लोग फ़ोन नंबर मांगेंगे, उसके बाद आपका फुल नेम। जब आप लोग फुल नेम इंटर करते हैं, उसके बाद आपकी जेंडर इन्फॉर्मेशन, आप मेल फीमेल, उनके बाद डेट ऑफ बर्थ। काफ़ी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। आगे कुछ अहम स्टेप्स है जिनको मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं जिसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। उनके बाद ईमेल, जो आप ईमेल एंटर करोगे और पासवर्ड, और उसके बाद आप वेरीफाई पासवर्ड, क्योंकि पर्सनल डेटा है इसी वजह से मैंने हाइड किया है। अपना पासवर्ड जो आपको याद रहे, ऐसा ही पासवर्ड आप लोगों ने एंटर करना है, और उसके बाद आपने पासवर्ड को वेरीफाई करना है, ठीक है। उनके बाद थोड़ा वेट करना होगा, कि उनके फॉर द रियली फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद CNIC नंबर आपने एंटर करना है, और CNIC के बाद आप लोगों ने प्रोविंस, जिस प्रोविंस से हैं आप लोगों ने वो इंटर करना है, और उनके बाद जो है प्रोविंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, फेडरल, जहाँ सी भी आप है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, मीन जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, वही आपने इंटर करना है। वो इजीली आपको अपने आईडी कार्ड पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है एड्रेस में, तो जिस जगह से आप हैं आप लोग वो इंटर करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील आप इंटर करें, और थोड़ा सा वेट करें कि उनके एप्लीकेशन टाइम लेता है, तो आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, एंड यू हैव टू बी पैशेंट, यू नो।
तो इसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब ये प्रोसेस हो जाए तो तब आपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि जैसे आपको नज़र आ रहा है, कह रहा है कि प्रोविंस जो है वो लोड नहीं हो रहे, कभी कभी इस तरह होता है, तो आपने दोबारा एंटर करना होगा अपना मुकम्मल एड्रेस, आप लोगों ने जो है वो एंटर करना है। जितना भी कम्युनिकेशन होगा आप लोग के साथ वो आप लोगों की ईमेल्स पे होगा, तो अगर एड्रेस करेक्ट हो तो भी मसला है, ठीक है, अगर करेक्ट ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस आप लोग इधर एंटर करें। उसके बाद आपने मुकम्मल एड्रेस एंटर करना है, पोस्टल एड्रेस, और वेट करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। जब आप लोग प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हो तो डिस्प्ले इस तरह आपको आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस निशान को क्लिक करना है और कोरोना रिलीफ में रजिस्टर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इधर जो बेसिक स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने हेल्थ स्टेटस में फिट लिखना है, ठीक है, कि मीन्स मैं फिट हूँ इन ऑर्डर टू डू दैट वर्क, आई एम मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो आप लोगों ने सिर्फ फिट लिखना है। उनके बाद वही ईमेल एड्रेस है, और स्किल्स में आप अपने स्किल्स के बारे में निकला है कि कौन सी स्किल्स हैं आपके साथ, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आम वर्कर है, मैंने आपको बताया जैसे वीडियो में कोई स्पेशल एजुकेशन बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके बाद प्रोविंस, किस प्रोविंस से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तहसील, वही जो हमने प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन एंटर की थी, इधर भी वही इंफॉर्मेशन दोबारा आप लोगों ने एंटर करनी है। उसके बाद आपने देखना है इंटरनेट पे कि आप जिस रीजन में रहते हो वो रीजन किस पार्टिकुलर में, अगर मैं पेशावर की बात करूं तो हमारा जो रीजन है वो पेशावर 3 में आता है, तो आप अपने रीजन को इंटरनेट पे सर्च करें कि आपका इलाका जो है वो किस रीजन में आता है, किस तहसील में आता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के मुताबिक वो लोग जो है फिर टीम्स बनाएंगे। तो मैं जो आपको बता रहा था वो यही पॉइंट है, आप अपने इलाके को सर्च करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो लिखना है, कि सिटी क्या है, यूनियन काउंसिल क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं। सिंपल आप लोगों ने सर्च करना है अपने इलाके के बारे में और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग एंटर करते हो तो उसने बाद सबमिट करना है, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उनके बाद थोड़ा सा वेट करना है और आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।